नमस्कार दोस्तों, रसोई किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दो कलर के पेड़े, पिंक और वाइट। ये पेड़े बहुत ही सुंदर लगते हैं देखने में, बहुत ही खाने में टेस्टी भी हैं। चलिए बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम लेंगे 1 कप खोया, 1 कप चीनी। हम बराबर मात्रा में लेंगे दोनों को, तो इससे पेड़े हमारे बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। खोया और चीनी को हमने कढ़ाई में चढ़ा दिया है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म ना होने दें, उसके पहले ही खोया और चीनी डाल दें, वरना इसमें खोया लग जाएगा। और बिल्कुल धीमी आंच में इसको हम औटेंगे, यानी कि मिक्स करेंगे। पानी और दूध कुछ भी नहीं डालेंगे, वरना बहुत समय लगता है पेड़ा बनाने में, ऐसे में ही ये पिघल जाएगा। बस धीमी आंच ही रखें। धीमी आंच में इसको हम जितना फेंटेंगे उतना ही हमारा पेड़ा अच्छा बनकर तैयार होगा। चीनी अच्छे से, इसमें दाने इसके अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। एक भी दाने इसमें ना रहें। आप देख लें थोड़ा सा ठंडा करके कि चीनी इसमें है तो नहीं। जितना इसकी हम घुटाई करेंगे उतना ही अच्छा पेड़ा हमारा बनकर तैयार होगा। चीनी अच्छे से पिघल गई है, इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब इतना ही गीला मैं इसको फेंटूंगी। इसको फेंट फेंट कर हम ठंडा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना ये सफ़ेद हो चुका है। अब इसमें हम आधे में कलर डालेंगे, आधा हम निकाल लेंगे, क्योंकि हम दो कलर का बना रहे हैं। ये हम फूड कलर डाल देंगे, पिंक कलर, ये मार्केट में मिलता है। ये हम निकाल लिए हैं, आधे में हम इसको मिक्स कर देंगे। ये 10-12 बूंद मैंने डाला है। और ये पेड़े बहुत ही सुंदर लगते हैं, बच्चों को खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा, जब देखेंगे तो बहुत ही चाव से खाएंगे। पेड़े तो हमने बहुत तरह के बनाए हैं, थोड़ा सा कलरफुल बनाएं तो देखने में सुंदर लगेगा। ये अच्छे से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं ये गाढ़ा भी हो गया है। दोनों को हम अच्छे से ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम पेड़े बनाएंगे। अगर हम टाइट इसको निकालेंगे तो ये बहुत ही जल्दी टाइट हो जाएगा, पेड़ा बना भी नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल आटे जैसे हो गया है। अब ये पेड़ा बनाने के लिए तैयार हो चुका है। जो प्लेट में निकाले हैं इसको भी हम ठंडा कर लिए हैं। दोनों को हमने अच्छे से सॉफ्ट कर लिया है। अब छोटे छोटे हम पेड़े बनाकर उसमें रखेंगे और गोला कर देंगे। दो कलर के पेड़े हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। जो सफ़ेद वाली है हम छोटी लोई बनाएंगे, पिंक कलर वाले का हम थोड़ा बड़ी लोई बनाएंगे, तभी हमारे पेड़े सुंदर बनेंगे। आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से इसको हम बना लेंगे। अगर आप पेड़े बनाते समय बच्चों का हेल्प लेंगे तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा और देखने में उनको बहुत सुंदर लगेगा। पेड़े हमारे सारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।